मुंबई में 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर प्रशंसित ब्रांडिंग और प्रबंधन परामर्श फर्म यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप ने यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप की 10वीं वर्षगांठ और पेंशन विस्ता पत्रिका की 5वीं वर्षगांठ के भव्य स्मरणोत्सव के साथ एक दशक की अद्वितीय सफलता का जश्न मनाया। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम 6 अप्रैल को द क्लब मुंबई में आयोजित हुआ, जो संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप के दूरदर्शी संस्थापक अध्यक्ष और एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर जीडी सिंह ने फोरम का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले दशक में समूह की परिवर्तनकारी यात्रा पर स्पष्ट रूप से विचार पेश किया। एक ब्रांडिंग और प्रबंधन परामर्श फर्म से एक गतिशील प्रकाशन और प्रोडक्शन हाउस तक इसके विकास पर प्रकाश डाला। देखिए, पैशन विस्टा ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हम लोगों ने जब से मैगजीन का लॉन्च किया है, आज हमें 5 साल पूरे आने आए, तो बहुत ही शानदार रहा। और मुझे लगता है कि हर साल हम कुछ नया वैल्यू एडिशन करते हैं, और इस साल के वैल्यू एडिशन में ये रहा कि हम इंटरनेशनल काफ़ी सारे लोगों को मिल पाए। इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने हम लोगों को इसके अंदर उत्साह बढ़ाने में बहुत मदद किया। एब्सोल्युटली बहुत खुश है, हम आभारी हैं अपने सभी गेस्ट के एंड स्पेशली ऑल सेलिब्रिटीज़ के, कि वो समय निकाल के हमारे लिए आए और उन्होंने अवार्ड लिया। एब्सोल्युटली अ प्लेजर, बहुत खुशी हुई हमें। सुचित्रा जी ऑलरेडी हमारे साथ हैं, कम कम जॉइन अस, वी वुड लव टू सी यू अगेन। ग्लोबल बिजनेस अवार्ड्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, पैशन विस्टा अवार्ड्स भी हो रहे हैं, जो मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे मित्र डॉक्टर जीडी सिंह और नीतू सिंह ने ऑर्गेनाइज किया है। ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप फोरम एक बहुत बड़ा फोरम है, जिसके थ्रू बहुत सी बिजनेसेस होती हैं वर्ल्ड वाइड, और पैशन विस्टा जो उनका मैगजीन है, बहुत ही अच्छा मैगजीन है, मैं उसके फ्रंट कवर पेज पर भी हूँ, आप देखेंगे बहुत बहुत जल्दी। और कोशिश ये है कि जितने लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है, खास करके हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने काम किया है, उसको कुछ रिकग्निशन मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू पैशन विस्टा, एंड इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर एंड टू बी नॉमिनेटेड एज मल्टी फैसेटेड मार्वल, एंड इट्स अ ग्रेट इवेंट, एंड I'm blessed to be here. Yes, so that you all know, I've only been working for about 30 years, but I started way back in 1992. I've been here in India since 97 again, working in theater, television, film, OTT. I'm a dubbing artist for international actresses when we do the Hindi versions of their movies. I am a compere, I am a singer, I am a lyricist, I write my own songs. Whatever else is there in life to do, I do it. Yeah, one life. Hello everyone, my name is Abhimanyu Nirula and I am working as a regional legal manager and compliance at Blue Dart Express Limited. So first of all, I would like to thank you, the event, the sponsors of the event and the persons involved in this whole event, which includes the media and everyone, for facilitating with me with for this award. बस कुछ नहीं, ग्लोबल अवार्ड पर्सन 2014 अभी बस मुझे पता चला है कि यहाँ अवार्ड चल रहा है तो मैं चला गया, लेकिन एक्चुअली तो मेरी फिल्म जो है आफ्टर रिलीज ईद के बाद रिलीज़ हो रही है सुल्तान मिर्ज़ा, तो सोचाऊँ कि इसके बारे में भी थोड़ा मैं जिक्र कर लूँ, क्योंकि ये मौका मिलता है मीडिया के सामने आने के लिए, तो अच्छा है जरा कुछ। सुल्तान मिर्ज़ा एक गैंगस्टर मूवी है, तो आप लोग को मैं चाहूँगा कि ये फिल्म जाए देखने। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर विशाल कांजा, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिज़ाइनिस्टिक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, एंड वी रिसेंटली लॉन्च्ड डिज़ाइनिस्टिक वर्ल्ड लिमिटेड, एंड आई एम आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ एसीसीआई पंजाब चैप्टर। सो टुडे आई गॉट प्रिविलेज टू बी ऑनर्ड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर इन आईटी एंड आईटीज बाय डिज़ाइनिस्टिक वर्ल्ड लिमिटेड। थैंक यू, इट इज़ अ बिग ऑनर टू हैव द हॉल ऑफ फेम अवार्ड, एंड I hope I can live up to it. It was nice. I feel really proud about it. For this competition. I would definitely like to see how I can further collaborate between Netherlands and India through my ventures. Try to see how I can bring my products between both the nations and help